2018 में फिल्म स्त्री हम सभी ने देखी होगी और हॉरर कॉमेडी के जॉनरा में वो फिल्म पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद 2021 में आई फिल्म रूही, जिसे ऑडियंस ने उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया, और अब यही फिल्म फ्रेंचाइजी अपनी तीसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म लेकर आ रही है भेड़िया, जो कि 25 नवंबर को रिलीज हो रही है। हे व्यूअर्स, दिस इज अनिकेत प्रगतिया एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल पॉपकॉर्न प्रीव्यूज। अगर आप हमारी फिल्मी बातों से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने थॉट्स हमें कमेंट करके बताइए। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टर अमर कौशिक के बारे में, क्योंकि फिल्म स्त्री के डायरेक्टर वही थे और उस वजह से ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है कि भेड़िया में भी हॉरर कॉमेडी का वही प्योर पैटर्न बरकरार रहेगा। अब दूसरा मेजर पॉइंट होगा एक्टर्स। वरुण धवन और कृति सैनन की जो परफॉर्मेंस होगी उसे हम ट्रेलर के जरिए थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं, पर एक्चुअल इम्प्रेशन क्रिएट करने वाले एक्टर्स अलग ही हैं। अभिषेक बैनर्जी और दीपक डोबरिया, इन एक्टर्स की परफॉर्मेंस कह लो या कॉमेडी कह लो, वो डेफिनेटली फिल्म के स्टैंडर्ड्स को एक लेवल ऊपर रखेगी। दूसरी तरफ फिल्म की जो स्टोरी है वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लग रही। हॉलीवुड में ये कंसेप्ट इतनी बार चलाया गया है कि फुल मून नाइट्स पर वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने वाले कैरेक्टर्स की स्टोरीज अब उतनी यूनिक नहीं रही, पर बॉलीवुड तड़के के साथ हमें यहाँ क्या नया देखने को मिलेगा वो एक्चुअल क्वेश्चन है। फिल्म का जो प्रोटैगनिस्ट है भास्कर, उसको एक स्पेशल मैजिकल नाइट पर एक भेड़िया काट लेता है, जिस वजह से उसके अंदर भेड़िया जैसी क्षमताएं पैदा हो जाती हैं। फिल्म का ये जो प्लॉट है वो सुनने में बड़ा बेसिक सा लगता है, और उस वजह से यही सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि फिल्म का प्रेजेंटेशन कैसा है, क्योंकि एक कॉमेडी वाली फिल्म है, एक फिक्शनल स्टोरी को फॉलो कर रही है और ऊपर से हॉरर वाला एस्पेक्ट भी इस फिल्म में होगा। और इन सारे पॉइंट्स के साथ पूरी फिल्म देखने पर ही इस फिल्म का एक्चुअल फ्लेवर हम समझ पाएंगे। फिल्म में VFX वाला पार्ट भी इतना बुरा नहीं लगता। ट्रेलर देखने पर VFX का लेवल काफी डिसेंट लग रहा है, और फिल्म में गानों का सिग्निफिकेंस उतना दिख नहीं रहा। एक टिपिकल बॉलीवुड पैटर्न फॉलो करते हुए फिल्म में एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक पार्टी सॉन्ग है और ऑब्वियसली एक आइटम सॉन्ग है। ये गाने डेफिनेटली अच्छे हैं, सुनने में मजेदार लगते हैं, फिल्म की थीम को भी गानों में पकड़ा हुआ है, बस स्टोरी को कंट्रीब्यूट कर दे तो और भी अच्छा होगा। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है कि फिल्म के फर्स्ट इंप्रेशंस तो काफी अच्छे हैं। ट्रेलर में हॉरर और कॉमेडी दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भूत की जगह भेड़िए का कॉन्सेप्ट हॉरर की तरफ होने वाला है, उस वजह से फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस शायद उतना डरावना या उतना इंटेंस ना लगे, पर कॉमेडी वाला फैक्टर ऑन पॉइंट लग रहा है। अब ट्रेलर को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर एक बार ऑडियंस फिल्म देख ले तो फिल्म की स्टोरी से लेकर प्रेजेंटेशन और कंटेंट तक फिल्म में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ऑडियंस डेफिनेटली इस फिल्म को बड़ा बना देगी। ट्रेलर के जरिए तो वो पोटेंशियल हमें जरूर दिखाई दिया है, बाकी 25 नवंबर को फिल्म का पोटेंशियल भी दिख ही जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और हम आगे भी ऐसी ही मजेदार फिल्मों की बातों के साथ वीडियोस लाते रहेंगे। लेकिन आपके पास एक मौका है कि आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में कौन से फिल्म का रिव्यू देखना चाहेंगे, और आपकी कमेंट को फीचर करते हुए उस फिल्म का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आएंगे। और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके।